आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किड्स स्कूल का वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बताएंगे। अगर दोस्त आपके पास किड्स स्कूल नहीं है तो दोस्त आप किड्स स्कूल के लिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त आप देख लीजिए डेमो, वेबसाइट का डेमो देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन करके रखा है, एक किड्स स्कूल के लिए वेबसाइट है। जैसे दोस्त आप देख पा रहे हैं इसका जो डेमो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसका होम पेज जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे जो भी इमेज है अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे रिव्यू सेक्शन आ जाता है, उसके बाद फुटर सेक्शन, और उसके बाद नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे गूगल मैप आ जाता है, और यहाँ पे टॉप में देखेंगे यहाँ पे ब्लॉगिंग सेक्शन मिल जाता है, जो कि आप जो भी राइट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन एक्टिविटीज, और यहाँ पे टॉयज गेम्स का सेक्शन मिलता है, और जो टॉप का जो हेडर बार है ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो दोस्त अगर आप इस तरह का वेबसाइट बनाना चाहते हैं खुद से तो दोस्त आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं गुरु ऐप। तो चलिए तो शुरू करते हैं। इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने को दो चीज की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। पहला एक डोमेन नेम, आपका जिस भी नाम से स्कूल हो उस नाम से एक डोमेन नेम ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लें। उसके बाद दूसरा जो आता है होस्टिंग आता है, जो कि हम लोगों का वेबसाइट ऑनलाइन जो स्टोर होगा ना उसके लिए हम लोग एक होस्टिंग बाय करेंगे, जहां पे हम लोगों का जो भी डेटा होगा वो स्टोर होगा ऑनलाइन। तो उसके लिए दोस्त आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन होस्टिंग, तो बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएगी जहां पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे और वहां से होस्टिंग बाय कर पाएंगे। लेकिन दोस्त मेरा रिकमेंडेशन आप चाहेंगे तो मैं दोस्त आपको बताऊंगा कि आप hostinger.in से होस्टिंग बाय कीजिए, जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस और सपोर्ट मिलता है, और जो आपका वेबसाइट होता है फास्ट चलता है, और आपको वहाँ पे एक डोमेन नेम भी फ्री में मिल जाता है। तो दोस्त अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करके आप बाय करेंगे तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जो कि आपको बहुत ज़्यादा बचत हो सकता है। तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले दोस्त अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने डोमेन नेम पे सबसे पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्त यहाँ पे मैं अपना डोमेन नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सबडोमेन क्रिएट करके रखा है यहाँ पे डमी वेबसाइट बनाने के लिए। दोस्त मैं यहाँ पे सबडोमेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस सबडोमेन के ऊपर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। अब यहाँ पे मेरा सॉफ्टडोमेन सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो दोस्त यहाँ पे इंस्टॉल और वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक। अब इस तरह का सेक्शन आएगा जहाँ पे दोस्त आप अपने वेबसाइट का टाइटल डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, जिस पासवर्ड और यूजर नेम से आप लोग अपनी वेबसाइट को लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, तो इस यूजर आईडी और पासवर्ड से हम लोग लॉग इन कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो इस यूजर आईडी और बिना पासवर्ड के भी आप लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिडायरेक्ट होकर आपका एडमिन पैनल लॉग इन हो जाता है आपके होस्टिंग के माध्यम से। चलिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे मेरा जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्त वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे हम एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट का एडमिन पैनल है वो ऑटो रीडायरेक्ट होकर यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अगर दोस्त मान लीजिए कि आपके केस में ऑटो रीडायरेक्ट होकर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो दोस्त आप जो यूजर आईडी बनाएंगे और पासवर्ड बनाएंगे उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। अपने डोमेन नेम के बाद स्लैश wp-admin डाल के आप यहां पे इस तरह से आप एंटर करेंगे, यहां पे स्लैश wp-admin डाल के एंटर करेंगे तो यहां पे लॉगिन सेक्शन आ जाएगा, जहां पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहां पे जब वर्डप्रेस फ्रेश या वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अपने को देखने को मिलता है अपने एडमिन पैनल के अंदर। तो सबसे पहले जो दोस्त सेटिंग होता है उसके लिए दोस्त हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अपने को क्या करना होता है कि अपने वेबसाइट का टाइटल डालना होता है, उसके बाद यहाँ पे टैगलाइन होता है, जो भी आपके वेबसाइट का टैगलाइन हो, आपके बिजनेस का टैगलाइन हो, आपके स्कूल का जो टैगलाइन हो, उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे कर दीजिए क्लिक एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन का ऑप्शन आता है, जो कि अपने इंडिया का टाइम जोन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए +5:30। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे आपको परमालिंक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना सेटिंग करना होता है जब हम लोग फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो अब अपने को यहाँ पे अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक कर देंगे। जो हमने डेमो थीम दिखाया था, जो हमने डेमो वेबसाइट बनाया था दिखाया था, उसके लिए दोस्त हम लोगों को एक थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस थीम का नाम है किड्स प्लेनेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो तीन थीम यहाँ पे इंस्टॉल है, लेकिन अगर इस तीनों थीम से हम लोगों का काम नहीं होने वाला है तो हम लोग सबसे पहले अपने वेबसाइट का होम पेज देख लेते हैं कि हम लोगों का वेबसाइट का जो होम पेज है किस तरह से दिख रहा है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो कुछ ये बाय डिफॉल्ट होम पेज होता है, तो इस तरह का होम पेज आपको भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने डेमो आपको दिखाया था, ये वाला डेमो दिखाया था। इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने को इस किड्स प्लेनेट थीम को बाय करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्त आप देखेंगे थीम फॉरेस्ट पे किड्स प्लेनेट का जो थीम है यहाँ पे आपको 69
$7 में मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से बाई कर सकते हैं और आगे चल के आप इसका यूज कर सकते हैं, अपने इस थीम को यूज करके अपने लिए बहुत ही बेहतरीन साइट बना सकते हैं। अगर दोस्त मान लीजिए कि आपके पास $69 नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दोस्त मैं इसका अल्टरनेटिव आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्त आपको क्या करना है कि themeraja.com की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्त आप सर्च कर लेना किड्स प्लेनेट, तो यहाँ पे आपको ये थीम मात्र 149 में मिल जाएगा। ये इतना कम में मिलने का रीजन यही है कि दोस्त यहाँ पे जो आपको थीम मिलेगा यहाँ पे जीपीए लाइसेंस के अंदर मिलेगा, तो जीपीए लाइसेंस के अंदर मिलता है तो इसलिए आपको 149 में मिल जाएगा। बाकी सारा चीज सेम वर्क करेगा, कोई आपको मतलब एरर नहीं आएगा। यहाँ पे थीम फॉरेस्ट से आप बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल लाइसेंस की मिलता है प्लस 6 मंथ का सपोर्ट मिलता है, तो इसके लिए $69 में आपको मिलता है। लेकिन दोस्त आप थीम राजा से बाय करेंगे 149 में तो आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको लाइसेंस की नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको एक थीम मिलेगा जो कि जीपीए लाइसेंस में मिलेगा। तो दोस्त आप इस वीडियो को सपोर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं और साथ में इस थीम को यहाँ से बाय कर सकते हैं 149 में। तो यहाँ से मैंने इस थीम को यहाँ से डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए दोस्त अपने वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे हम इस थीम को इंस्टॉल करेंगे। तो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे किड्स प्लेनेट का जो थीम है डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ से अगर थीम राजा से आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको फोल्डर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो थीम है एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्त आप देख पाएंगे कि जो ये थीम है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अनजिप होके यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। तब अपने को क्या करना है कि इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे फिर से ओपन करेंगे और इसके अंदर जो यहाँ पे दिखेगा आपको जो थीम दिखेगा यहाँ पे जीप फाइल दिखेगा ना, इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो थीम है इंस्टॉल हो रहा है। अब दोस्त यहाँ पे जो थीम है इंस्टॉल हो चुका है, तो अपने को यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस थीम को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्त हम लोगों का जो होम पेज है उसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों का होम पेज है जो किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तभी दोस्त आप देखेंगे कि इतना चेंजेस हो चुका है, यानी पहले जो डिजाइन था वो डिजाइन हट चुका है, यहाँ पे दूसरा डिजाइन आ चुका है, लेकिन हम लोगों का जो डेमो वेबसाइट था उस तरह से नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन है जो कि हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक कर देंगे। जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन है यहाँ पे 11 प्लगइन्स है, इन सारे को हम सारे प्लगइन्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी 11 प्लगइन्स है वन बाई वन करके सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद दोस्त हम लोग आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब यहाँ पे दोस्त आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो 11 प्लगइन्स था सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे रिटर्न टू डैशबोर्ड पे हम लोग क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का जो 11 प्लगइन है ये सारे प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। तो हम लोग अपने रिटर्न टू डैशबोर्ड पे चलते हैं और अब रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे इस प्लगइन का जो सेटअप है आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम की प्लगइन है जो कि अगर आप इंस्टाग्राम से स्टोरी रील्स अगर आप अपनी वेबसाइट पे शो कराना चाहते हैं तो दोस्त उसके लिए आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। ओके दोस्त, यहाँ पे फिलहाल हम ये सेटअप अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अपने वेबसाइट का जो होम पेज है एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि इसके अंदर और कोई चेंजेस आया कि नहीं आया। तभी दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। तो दोस्त अपने को क्या करना होगा कि अपने वेबसाइट के अंदर आना है और अपने को यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है। अपीयरेंस यहाँ पे है और अपीयरेंस पे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे इंस्टॉल डेमो डाटा का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर अपने को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये होगा कि हम लोग यहाँ पे जो थीम का जो डेमो डाटा है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी सेटअप यहाँ पे था सारे ऑटोमेटिक सेटअप यहाँ पे हो जाएगा, कोई सेटिंग हम लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे कि होल जो डेमो डेटा है ना साइट कंटेंट है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिल जाता है जो कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप पोस्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहते, आप मीडिया इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा और यहाँ पे जो भी कंटेंट है जो भी डेटा है यहाँ पे सारे डेटा कंटेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट जो भी है इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा दोस्त। यहाँ पे आपको थंबनेल्स इंपोर्ट होने में टाइम लगेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर दोस्त आप चाहते हैं कि इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना, तो दोस्त आप इस तरह की वेबसाइट हमसे भी बनवा सकते हैं। दोस्त आपको क्या करना होगा कि आपको गूगल पे टाइप करना है themeraja.com और themeraja.com की साइट पे आपको आना है और यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी मेरा सर्विस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी टेम्पलेट्स है यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको दिख जाएगा, उन टेम्पलेट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्त हमारी जो टीम है आपके लिए इस तरह की वेबसाइट बना देगी। अगर मान लीजिए कि इस थीम का यहाँ पे डेमो टेम्पलेट नहीं होगा तो दोस्त आप कस्टम ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट आपको बताना है कि इस तरह की हमें वेबसाइट बनाना है, उस तरह की हमारी जो टीम है बहुत ही कम रुपये में आपके लिए इस तरह की वेबसाइट बना देती है। चलिए दोस्त अपनी होम पेज पे आते हैं, अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितना परसेंट हुआ है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, अभी यहाँ पे 41% हुआ है। दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंग्रेचुलेशन डाटा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब दोस्त अब चलते हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे और यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अपने वेबसाइट का जो होम पेज है वो बिल्कुल सेम उसके तरह हो चुका है जैसे मैंने डेमो आपको दिखाया था। बिल्कुल यहाँ पे जो डेमो हमने दिखाया था सेम डेमो कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्त आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना होता है दोस्त। अब कस्टमाइज करने के लिए दोस्त आप यहाँ पे एडिट विथ WP बेकरी पेज बिल्डर से भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमाइजेशन का सेक्शन भी आपको मिलता है जहाँ से थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर पाएंगे अपनी वेबसाइट को। तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक और यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर से हम लोग क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर पाएंगे अपने वेबसाइट का। तो अब अपने को यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर अपने को मिल जाता है साइट का कलर कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पे हेडर इमेज कंट्रोल करने के लिए, साथ में बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे मेन्यू और विजिट्स मिल जाता है और होम पेज का सेटिंग्स मिल जाता है और यहाँ पे इवेंट कैलेंडर का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, WooCommerce का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग अगर आप यहाँ पे अपने साइट का आइडेंटिटी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पे जो आपका साइट का आइकन लगा है आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जो भी आप आइकन रखना चाहते हैं अपने साइट का तो आप उसको रख सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, फिलहाल मैं अपने कंप्यूटर से लेता हूँ कोई एक इमेज को और यहाँ पे अपलोड करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं अपने कंप्यूटर से एक इमेज को, मान लीजिए कि इस इमेज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को मैं आइकन के रूप में यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो आइकन है मान लीजिए कि यही मेरे साइट का आइकन है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया तो मैं आप देखेंगे कि यहाँ पे आइकन चेंज हो गया और यहाँ पे जो भी आप टाइटल डालेंगे वो आपका साइट का टाइटल होगा, टैगलाइन होगा। ओके दोस्त, उसके बाद आपके वेबसाइट का कलर होगा जो कि यहाँ पे जो कस्टम जो कलर है वो वाइट है। तो अगर आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो आपके साइट का कस्टम कलर चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं वाइट ही रहने देता हूँ क्योंकि साइट के हिसाब से सही है। और यहाँ पे हेडर इमेज आ जाता है जो कि अगर आप यहाँ पे हेडर इमेज लगाना चाहते हैं इसके अंदर जो बैकग्राउंड में इमेज होता है वो आप लगा सकते हैं यहाँ से। और साथ में दोस्त आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने साइट का जो कि आपके साइट का पूरे साइट का बैकग्राउंड इमेज होगा। और यहाँ से मेन्यू को कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ से द इवेंट कैलेंडर को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ और बाकी का जो कंटेंट है उसको हमको चेंज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो फिलहाल यहाँ से हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक मिल जाता है ऑप्शन यहाँ पे एडिट विथ WP बेकरी पेज बिल्डर, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना होता है। आप जैसे ही WP पेज बेकरी पे क्लिक करते हैं तो दोस्त इस तरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से कि इन सब चीज़ों को आप चेंज कर पाएंगे। ये जो पीछे में आप देख रहे हैं ना स्लाइडर है, तो स्लाइडर को चेंज करने के लिए अंदर से हम लोग चेंज कर पाएंगे। फिलहाल ये जो है ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो कॉलम्स का सेटिंग्स है यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ये चीज़ चेंज करना है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पेन वाला ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखेंगे कि दोस्त आप यहाँ पे जो है सर्विस स्टाइल 3 सेलेक्ट किया गया है। अगर आप यहाँ पे सर्विस स्टाइल 2 करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ है चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है अपना स्टाइल जो चेंज हो जाएगा और इसके अंदर जो भी चीज़ें चेंज करना है वो सारे चीज़ आप चेंज कर पाएंगे। तो दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें ये चीज़ चेंज हो चुका है और यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है। और यहाँ पे जो भी सेक्शन है हर सेक्शन को आप इस तरह से कुछ एडिट कर पाएंगे और इनको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मंसूरी टाइटल 3 कॉलम्स वाला ये सेलेक्ट है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है जो कि यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रिड 4 कर देंगे तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा साइड का जो लुक है यहाँ पे जो मंसूरी टाइप से आ रहा है तो यहाँ पे 4 ग्रिड के अंदर ये आ जाएगा जैसे कि दोस्त आप देख पा रहे हैं। फिलहाल मैं इसको मंसूरी में ही कर देता हूँ जो कि अच्छा देखने में लग रहा था ये 3 कॉलम्स में, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे एक टाइमर मिल रहा है तो आप इसको भी एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे काउंटडाउन जो टाइमिंग है यहाँ पे इसको भी आप एडिट कर पाएंगे, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं टाइमिंग। और यहाँ पे स्टाइल है जो कि ये स्टाइल 1 और 2 है, यहाँ पे जो भी ये स्टाइल आप रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से अपने वेबसाइट को फुली कंट्रोल कर पाएंगे और इसे एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे जो नीचे में एक फूटर लगा हुआ है तो यहाँ पे फूटर का भी एडिट करने का अंदर से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, जो भी आप सेटिंग चेंज करेंगे यहाँ से अपडेट कर दीजिए। तो दोस्त आप इस तरह से इसका वेबसाइट का जो भी सेटिंग्स है आप उन्हें चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे दोस्त मान लीजिए किसी अगर पेज में आपको सेटिंग्स करना हो, मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी पेज पे चलते हैं और यहाँ पे अबाउट वाले पेज पे आते हैं
और इसके अंदर कुछ आपको एडिट करना है, चेंज करना है, तो आप उसे भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलता है। तो आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है, एडिट विथ डब्ल्यू पी पेज बेकरी बिल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से इस पेज बिल्डर से आप अपने वेबसाइट का जो भी पेज है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे और एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको एडिट करना है तो उसके सामने यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे इस सब चीज़ों को आप एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे कलर हो चाहे जो टेक्स्ट हो, अगर आप टेक्स्ट भी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक दिख जाएगा जो कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, आप इसको हटा सकते हैं और नया टेक्स्ट अपना डाल के सेव कर सकते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से इमेज चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है सारे चीज़ को आप चेंजेस कर पाएंगे। तो जो भी चेंजेस आए आप इस तरह से चेंजेस कर लीजिए और अपडेट कर लीजिए। और जो भी थीम का जो सेटिंग्स है उसको मैं दिखा देता हूँ, उसको आपको कैसे करना है। यहाँ पे थीम ऑप्शन पे आएंगे और थीम ऑप्शन पे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो थीम का है कुछ ग्लोबल सेटिंग्स आपको मिल जाएगा जिसमें आप चेंजेस कर पाएंगे। तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप देखेंगे सेलेक्ट थीम स्किन जो आता है यहाँ पे दो तीन यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आप देखेंगे थीम कलर आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे यूज कस्टम बैकग्राउंड आप यहाँ से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वीडियो बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं आपसे इनेबल करके। और यहाँ पे जो भी आप चीज़ें यहाँ पे हेडर है तो हेडर को आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेडर को भी चेंजेस कर पाएंगे। जो भी आप यहाँ पे देखेंगे जैसा करना चाहेंगे आप वैसा कर पाएंगे। यहाँ से आप अपना लोगो जो है उस लोगो को आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करना है और जो भी आपको लोगो यहाँ से अपलोड करना है आप यहाँ से अपलोड करके अपने वेबसाइट का लोगो को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ से मान लीजिए कि मैंने इस इमेज को अपलोड किया और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया तो अपने वेबसाइट का जो लोगो है यहाँ से चेंज हो जाएगा। दोस्त आप अपने वेबसाइट को फुली कंट्रोल कर पाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो स्लाइडर है यहाँ पे ये वाला स्लाइडर ऑफ है और दूसरा स्लाइडर यहाँ पे ऑन है जो कि ये फुटर वाला टॉप फुटर स्लाइडर है। तो यहाँ पे टॉप फुटर स्लाइडर के अंदर जो भी आप चेंजेस करेंगे और फुटर वाला स्लाइडर के अंदर चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे फुटर है, यहाँ पे फुटर के अंदर जो भी आपको चेंजेस करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फुटर के अंदर जो भी आइकन लगा हुआ है, जो भी मैप लगा हुआ है, जो भी यहाँ पे कॉपीराइट वाला सेक्शन है, तो आप इनको भी आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्त आप इस तरह से अपने वेबसाइट को फुली कंट्रोल कर पाएंगे और एडिट कर पाएंगे। तो दोस्त मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऐसे भी लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो तो दोस्त आप लोग देख नहीं पाते हैं और साथ में आप बोर हो जाते हैं। तो दोस्त मैं अगर दोस्त आप लोग चाहते हैं कि इस थीम का मैं फुली वीडियो बना के लेके आऊँ और हर एक चीज़ पर मैं एक बताऊँ कि ये चीज़ कैसे होगा या हर एक चीज़ पर मैं फोकस करूँ, तो दोस्त आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो पर 100 लाइक्स कराना होगा। उसके बाद दोस्त मैं इस थीम का एक फुली कस्टमाइजेशन का वीडियो में बना के लेके आऊँगा जिसमें आपको हर एक चीज़ में बताऊँगा। उसके बाद दोस्त आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्त अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल वीडियो बनाऊँ तो दोस्त आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स करा दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाए। दोस्त आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, हर तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट से रिलेटेड। तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा से कमेंट करके जरूर बताइए कि दोस्त आपको वीडियो कैसा लगा है। और दोस्त अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं देता रहता हूँ। दोस्त चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।